यहाँ भी शूज। सो यहाँ जो ये लाइटिंग है ये मैंने अभी रिसेंटली की है। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। पहला व्लॉग है तो आई डोंट नो कैसा होने वाला है ये व्लॉग, और मुझे आज का जो व्लॉग होने वाला है बेसिकली वो होने वाला है रूम के। ऐसा इसलिए बिकॉज मैंने ये काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था, जिस दिन भी मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ जो फर्स्ट व्लॉग होगा वो रूम के ऊपर होगा। बिकॉज आई हैव रिसीव मैनी क्वेश्चन अबाउट माई रूम, कि आपने रूम कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, क्या बजट था और डिज़ाइन कहाँ से किया, ये सब क्वेश्चन के आज जवाब मिल जाएंगे इस व्लॉग में। तो डोंट वरी, पहला व्लॉग इसीलिए बनाया मैंने रूम के ऊपर ताकि आपको सारी डिटेल मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए। एंड तक जरूर देखें इस व्लॉग को, बिकॉज इसमें एक एक डिटेल में बताने वाला हूँ चीज़ कहाँ से लिए कहाँ से नहीं। फर्स्ट ये है मेरे शूज एंड यही मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है। बिकॉज यार सब जानते हैं यहाँ मेरे शूज है, मैं शूट मोस्टली यहीं करता हूँ। एंड ये जो स्लैब्स हैं ये आपको अमेजोन पे अवेलेबल मिल सकती है। एक आपको ये 1500 से 2000 की पड़ेगी। अगर आपके पास इतने शूज नहीं है तो ओबियसली आप एक दो बनवा सकते हैं। एंड मेरे पास ज्यादा थे तो इस वजह से मैंने ये कुछ और कस्टम तरीके से बनवाई थी। एंड काफी लोग जब मुझसे पूछते हैं कि भाई जो आपके पास बूट है ये कहाँ से है, ड्यूड ये जो बूट है ये ज़ारा से है, आपको 3 से 4 हज़ार के समथिंग मिल जाएगा। एंड ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। एंड टोटल ये 12 है मेरे पास, यहाँ पे 12 शूज है तो मैंने यहाँ 12 एडजस्ट किए हुए हैं। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे मैंने ये अभी अभी परचेज की थी, ये वाला फ्रेम जिस पे लिखा है डू समथिंग लेट। अगर आप मार्वल फैन हो तो इसको तो आप ऑब्वियसली जानते हो कौन है। कमिंग टू दिस, ये है मेरे आउटफिट जिनके ऊपर मैंने एक ब्लू कलर की लाइटिंग लगाई हुई है जिसका प्लग यहाँ है। एंड यहाँ मेरे सारे सेट्स वगैरह हैं, यहाँ मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूँ। लाइक एंड मैं ज्यादा परफ्यूम यूज नहीं करता बिकॉज मुझे ज्यादा हार्ड फ्रेगनेंस पसंद नहीं है, मुझे बहुत लाइट पसंद है। इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ ज़ारा का एक ले रखा है अपने लिए। कमिंग टू दिस, ये मेरी फेसेस हैं एंड अभी मैंने ये रिसेंटली परचेज की थी और आप लोगों से मैंने नाम भी पूछा था। किसी ने मुझे चिंकी मिंकी पिंकी बोला, किसी ने मुझे सीता गीता और ऐसे ऐसे अजीब अजीब से नाम बताए, बट कोई बात नहीं। किसी किसी ने अच्छे भी बताए लाइक लियो रीजो एंड ऐसे ऐसे नाम बताए, तो मैं अब इनका जल्दी नाम बता दूंगा यार नाम क्या रखेंगे इनका। वैसे मैं रोज सुबह उठ के सबसे पहले इन्हें खाना देता हूँ। ये जो मैट है ये मेरे पिछले रूम में भी थी, काफ़ी लोग जानते होंगे। एंड ये मैंने चेंज इसलिए नहीं की थी बिकॉज इसका जो 3D लुक है ये मुझे दोबारा नहीं मिल पा रहा था, ऐसे लोग बहुत अजीब अजीब से मिल रहे थे तो मैंने दोबारा यही डाल दी थी। अब ये चल रही है और अपना बजट में है तो क्या दिक्कत आ रही है, तो हमने भी लिए इसे लगाए रखा है। टू दिस, ये है मेरा लोगो। एंड काफी लोग जो मुझसे पूछते थे कि भाई ये जो आपने किससे डिजाइन करवाया, ड्यूड ये मैंने किसी से डिजाइन नहीं करवाया, ये भी मैंने खुद डिजाइन किया था। मुझे पता था, मैंने एक दिन पेन पेपर उठाया और मैंने वी बनाया, उसको बीच से काट दिया, दैट्स इट। अच्छा, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे मेरे पिछले रूम में ये मैंने सिर्फ वॉल पे पेंट कराया हुआ था, बट मैंने इस बार सोचा कि इस बार रूम में इसको एक 3D लुक देंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 3D लुक का ये बनवाया हुआ। ये वुडन का है बेसिकली। तो यहाँ का ये लाइटिंग है ये मैंने अभी रिसेंटली की है और ये पूरी लाइटिंग मैंने खुद की है। यहाँ सीढ़ी लगा के यहाँ चढ़ कर ये मैंने पूरी कुछ ये फ्रेम्स हैं जो मैंने बहुत पहले जब स्टार्ट किया था, मैं भी ये रूम बनाया था। एंड कमिंग टू दिस, ये मैंने मिरर्स वगैरह, ये आप लोग जानते होंगे अमेजोन पर सही डिज़ाइंस के लिए हैं। लाइक इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ देखें हम अपने आप को, अमेजोन पर ईजिली मिल सकते हैं 200-250 रुपये के, तो ज़्यादा महंगे नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि यार ओके रूम में कुछ सजेस्ट अच्छा सा लगाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किए थे। एंड ये मेरा अभी दूसरा क्लोथ स्टैंड है। लाइक काफ़ी लोग जो मुझसे इसका क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने कहाँ से ऑर्डर किया, तो ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया। यहाँ पे नीचे शूज़ रखने की जगह है थोड़ी और यहाँ मैंने अपने कुछ ये आई थिंक 5 पेयर्स हैं। सच में मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे जिसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया ताकि यार कुछ तो मैनेज हो पाए। अमेजोन पर अगर आप देखेंगे तो 1200 से 1500 का पड़ जाएगा नीचे शूज़ रखने की जगह। जो मिरर है ये तो आपको मे बी किसी भी नॉर्मल शॉप पर मिल जाएगा 400 से 500 या 600 रुपये मैक्सिमम। इसके पीछे ये ब्लू लाइटिंग लगाई हुई है और ये
मिरर वाली लाइटिंग नहीं है, ये मैंने अलग से लाइटिंग लगाई थी, लाइक यहाँ पे पीछे टेप वगैरह से चिपकाई। सो डेट्स इट, अभी के लिए इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे रूम में अभी दिखाने लायक। लोग जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, पहले से फॉलो करते हैं, तो वो जानते होंगे कि इससे पहले भी मेरा एक रूम था और वो काफी अलग था इससे, एंड वहां से मैंने स्टार्ट किया था और इसमें लाइटिंग भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे मैंने बस एक अरेंजमेंट की थी कि यार स्टार्ट करना है तो कुछ तो तरीके से करना होगा, तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ये जो मेरा रूम है बेसिकली इसे मैंने पिछले साल ही रेडी करा था और इसको आज एक साल हो गया इस रूम को, एंड इसकी भी एनिवर्सरी और मेरा भी बर्थडे है। काफी लोग मुझसे पूछा करते थे कि भैया आपने कोई डिजाइनर से करवाया, इंटीरियर डिजाइनर से बात करिए, ऐसा कुछ नहीं है ड्यूड। मुझे आइडिया था कि मुझे रूम कैसा बनाना है, मुझे रूम में क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, पूरा डिजाइन मेरा है, यहाँ की हर चीज मैंने की है, लाइक यहाँ पे डिजाइन, लाइक पेंट अभी मैंने नहीं किया था बट ये पेंट वगैरह मैंने करवाया है, लेकिन और सारी चीजें मैंने करवाई है जैसे पेंटिंग्स वगैरह, ये ऊपर की जो लाइटिंग्स है ये मैंने लगाई है खुद, तो ऐसा नहीं है कि विराट सिंह, तो ये सारी चीजें मैं खुद ही करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अमीर हूँ बहुत पैसे वाला, ऐसा कुछ नहीं है ड्यूड। मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये जो रूम है ये पूरा बजट में है, मैंने खुद ही इतने बजट में ये रूम क्रिएट किया था, एंड इस रूम का जो बजट था वो ओनली अंडर 10K था, 10,000 से नीचे इसका जो रूम का बजट था, और इतना बजटेबल मैंने ये रूम इसीलिए बनाया था बिकॉज मुझे पता था कि मुझसे इंस्पायर हो के अगर कोई मेरे जैसा रूम बनाना चाहता है तो वो बना सके, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो ड्यूड यही सब है। और ये लाइटिंग वगैरह तो आप जानते हो, ज़्यादा बजट नहीं, आपको 10,000 से 15,000 में ऐसा रूम भी क्रिएट हो सकता है, तो यार किसका वेट कर रहे हो भाई, अगर आप मुझसे इंस्पायर हो तो यार कर सकते हो। अब इसमें भी आगे कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेंगे अपने छोटे से रूम में, बिकॉज यही मेरा सब कुछ है यार, मैं यही खाता पीता सोता वीडियो शूट करता है एवरीथिंग यार मैं यही करता हूँ। एंड सबसे मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ यार, वो इसलिए बिकॉज 1.5 साल से लोग मुझसे सिर्फ यूट्यूब के लिए बोलते थे कि यूट्यूब पे आओ विराट, यूट्यूब पे भाई, यूट्यूब पे ब्लॉग बनाओ, तो मैं उनसे सबसे कहता रहता था हाँ ड्यूड कुछ टाइम में, जल्दी सून, कमिंग सून, ऐसे ऐसे होता रहा, अब सब चीज मैनेज है एंड सारी चीजें सॉर्ट आउट है, अब सिर्फ हमें व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब पे भी ध्यान देना है, तो डेली व्लॉग्स आते रहेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब करना है ताकि आप मेरे डेली व्लॉग सबसे पहले देख पाए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो मेरी वीडियो की, एंड काफी अच्छे अच्छे व्लॉग हम देने वाले इसी चैनल पे, तो यार सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जल्दी जल्दी कर दो। और रूम में क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा आपको, जैसे कि मुझे तो मेरा शूज का कॉर्नर काफी पसंद है, आप बताओ मेरे रूम में आपको सबसे ज्यादा बेस्ट चीज क्या लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई। आप लोग जानते होंगे अमेजोन पे मेरा मुंह कैसा आ रहा है इसमें, यार इसमें एक्चुअली थोड़ा एक्चुअली मैं एक्चुअली